हेलो दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई और अलग रेसिपी। ऐसी रेसिपी और ऐसा खाना आपने पहले नहीं खाया होगा। ये हमने ली है दाल, और मूंग की दाल ली है और मसूर की, ये मिक्स है। और आप चाहें तो मसूर की ले सकते हैं, क्योंकि दाल आपकी चॉइस के ऊपर है कैसे लेते हो। तो इसमें हमने डाले हैं टमाटर कटे हुए, हल्दी, नमक, मिर्च और गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया। ये टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे हम। और अब हम डालेंगे इसमें पानी, और इसके साथ ही हम चावल भी बनाएंगे। और जो मैंने अलग रेसिपी की बात की है, ऐसा कॉम्बिनेशन जो भी आप नहीं नॉर्मली घरों में नहीं बनाते, जैसे कि हमने दाल बनाएंगे और चावल बनाएंगे, और हम बनाएंगे इसके साथ ड्रम स्टिक, जो कि जैसे लोग वह चोखा खाते ना बिहार में, वैसे ही मैंने इसमें इसके साथ ड्रम स्टिक की सब्जी बनाई है, और वो भी एकदम सूखी जैसे मसाले वाली। तो चलिए बात करते करते, और हम जल्दी जल्दी हमारा टाइम भी पास हो जाएगा और हम साथ के साथ हमारा खाना भी बन जाएगा। ये हमने साथ चावल चढ़ा दिए एक तरफ, और एक तरफ चढ़ा दी हमने दाल। और हमारे चावल ये देखिए उबाल भी आने लगा है इसमें, और इधर हमारी दाल चढ़ रखी हुई है गैस पे, और ये भी उबलने लगी दोस्तों। और इसमें हमने जैसे मसाले ऐड, आप चाहे तो बाद में जैसे तड़का लगाते हो ना, तो उसके साथ भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें मसाले इसमें और टमाटर इसमें पहले इसलिए डाले हैं कि मैं प्याज और लहसुन का यूज़ नहीं कर रही हूँ इसमें, क्योंकि मुझे फिर हींग और जीरे का ही तड़का लगाना होता है इसमें। तो इसी वजह से मैंने ये मसाले पहले डाल दिए इसमें, और टमाटर भी मैंने पहले डाल दिए, जो कि अच्छे से इसमें मैश हो जाते हैं और मिक्स भी हो जाते हैं सही अच्छी तरह से। और ये हमारे चावल पकने वाले हैं, और हम चावल का पानी निकाल के बनाती हूँ, जो कि जैसे शुगर पेशेंट होते हैं उनको भी चावल ही नुकसान नहीं करता। जैसे नॉर्मली लोग कहते हैं कि चावल शुगर पेशेंट के लिए अच्छा नहीं होता और बाद ही करता है, तो इस वजह से अगर चावल का हम पानी निकाल देते हैं तो नॉर्मली चावल हो जाता है, वो किसी को फिर नुकसान नहीं करता। तो ये हमारे चावल पक के तैयार हो गए हैं, और हमारी दाल भी लगभग रेडी हो चुकी है। ये देखिए हमारे टमाटर हैं थोड़े से, इसको हम मैशर से मैश कर देंगे, और नहीं तो ये थोड़ा सा इसको कलछी है ना हमारी, तो उसी से थोड़ा सा दबा दबा के इसको मिक्स कर देंगे इसमें दाल में। ये देखिए हमारी दाल बन के तैयार भी हो गई, देखिए दोस्तों। और हमने तड़के की तैयारी कर ली, और ये मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है, और इसमें डाल दी हमने हींग, और ये डाली हमने साबुत लाल मिर्च, और इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम जीरा। ये अब लग गया हमारा तड़का, ये डाल दी हमने दाल में। ये दाल और चावल हमारे तैयार हो गए हैं, और अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया, क्योंकि बिना हरे धनिया की दाल हमारी ऐसे लगता है कि जैसे फ्लेवर ही नहीं आता दाल में धनिया के बिना। और ये हमने ड्रम स्टिक के लिए हमने टमाटर घिस के रखे हुए हैं, और हमने ये हम इसमें टमाटर में हम मसाले ऐड कर लेते हैं। ये 2 चम्मच लाल मिर्च डाली है, और 2 ही चम्मच हमने हल्दी डाली है, गरम मसाला डाल दिया, और ये डाल रहे हैं हम धनिया 2 चम्मच, और ये नमक हमारा स्वाद अनुसार। अब इसको हम बिना प्याज लहसुन के बनाएंगे, ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि मैं प्याज लहसुन अभी नहीं डाल रही हूँ इसमें। और ये हमने तेल में डाल दी हींग, और ये डाल दिया हमारा घिसा हुआ टमाटर और मसाले। इसको हम अच्छे से भून लेंगे, और ये हमने देखो ड्रम स्टिक को काट के और मतलब अच्छे से साफ करके रखा हुआ है, और ये हमारा मसाला भुन गया है इसका। ये देखिए मसाला हम लगभग 5 से 10 मिनट पकाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मसाला नहीं था तो जल्दी पक जाएगा। ये देखिए मसाला हमारा तेल छोड़ने लगा है, ये देखिए, और हम इसमें ये ऐड कर देते हैं ड्रम स्टिक डाल देते हैं इसमें, और इसको अच्छे से मसाले में कोट कर लेंगे, जो कि इसके इसके ऊपर अच्छे से मसाला चिपक जाए।
ज़्यादा नहीं पकाना होता हमें इसमें, हद से हद ये 15 मिनट में पक के तैयार हो रेडी हो जाती है, हमारी तैयार हो जाती है, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए इसको पकाने के लिए। इसको ढक के पकाएंगे और हद 10 या 15 मिनट बस। अब इसको ढक देते हैं। ये देखिए हमारी, चेक कर लेते हैं कि हमारी ये ड्रमस्टिक पकी है कि नहीं पकी है। कुछ लोग ड्रमस्टिक बोलते हैं, कुछ सैनी की फली बोलते हैं, तो आप हर शहर में हर जगह मिलती है ये। चेक करते हैं हम। ये देखिए हमारी लगभग पक चुकी है, ये देखिए ये पक गया है हमारा। और अब इसको थोड़ा सा और भून लेंगे जो कि इसका मसाला इसमें चिपक जाए। और अब इसको हम इसको आप प्रेजेंट कर लेते हैं कि कैसे आप इसको खाएं, और इसको मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए गार्निश कर लेते हैं इसको अच्छे से। ये हमारी दाल है, इसमें चावल में मिक्स कर लेंगे इसको। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इसको, और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिएगा। ये देखिए हमारी ड्रमस्टिक, ये बनके तैयार हो गई है। ये देखिए